हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इग्नो के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2019-2020 में कुछ सेशन के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था। अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हैं जिन्हें प्रमोट किया गया था और आपका अगर रिजल्ट अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप यह वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया है। कुछ बातें जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट प्रमोशन का है वह कब तक अपडेट होगा, और अगर अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के ऐसा खबर आ रहा है कि अपडेट कर दिए गए हैं पर बहुत से स्टूडेंट के अब तक नंबर अपडेट नहीं किए गए हैं। आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है तो क्या कारण है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। तो देखिए, रिजल्ट जो अपडेट किया गया है टेंटेटिव डेट से आपका प्रमोट का जो रिजल्ट आपका जो अपडेट किया गया है, इसमें खबर ये आ रही है कि कुछ बच्चों के अपडेट जो है रिजल्ट कर दिए गए हैं, पर मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 99% बच्चों के रिजल्ट अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। इसका कारण तो एक यह हो सकता है कि आपने जो आपका नंबर अपडेट होना था वह नेक्स्ट एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका नंबर अपडेट होना था। तो मान लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपके नंबर या फिर किसी सब्जेक्ट में आपका बैक आ गया तो क्या होगा कि आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अगले एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको प्रमोशन वाले ईयर के सेशन का रिजल्ट अपडेट होना था। तो अगर किसी सब्जेक्ट में नेक्स्ट ईयर में आपका बैक आ गया है तो नंबर अपडेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके साथ भी यह दिक्कत है तो जल्द से जल्द उस पेपर को, उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लें। अगर बैक आई है तो उसे आप क्लियर कर लें तो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। साथ ही अगर आप उस सब्जेक्ट का, मतलब अगले नेक्स्ट ईयर का अगर एग्ज़ाम आप अभी तक नहीं दिए हैं तो इस कारण से भी आपके रिजल्ट अपडेट नहीं हुए होंगे। तो अगर आपने प्रमोशन के बाद वाले ईयर का अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट का, उस ये सेशन के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें और उसे क्लियर करें ताकि आपके प्रमोशन का जो नंबर है वो जल्द से जल्द अपडेट हो सके। और यह जो अगर हम बात करें कि अपडेशन की, जो बच्चे फेल हो गए हैं क्या उनका प्रमोशन बना रहेगा, तो जी हाँ, बिल्कुल बना रहेगा। इग्नो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रमोशन आपका किसी प्रकार से नहीं छीना जाएगा। चाहे आप पास हों, फेल हों, नंबर कम आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो कोर्स वैलिडिटी है, प्रोग्राम की जो वैलिडिटी है जो 5 साल 6 साल होती है, उस बीच में आप अपने सभी सेशन के एग्ज़ाम को पास कर लें और उस बीच में आपका प्रमोशन कैंसिल नहीं होगा। आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर करके अपने प्रमोशन ये वाले ईयर का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं और कुछ टेक्निकल बातें हैं जो इग्नो की तरफ से ही कुछ खामियाँ हैं, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भी नंबर अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपने अपने तरफ से सब क्लियर कर लिया है फिर भी नंबर अपडेट नहीं हुए हैं तो इग्नो की तरफ से ये फॉल्ट है, वहाँ से वर्कलोड चाहे किसी भी रीजन से वहाँ सेलेक्ट हो रहा है। तो जल्द से जल्द उम्मीद है कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो चलिए, ऐसी जानकारी लगातार आपके बीच हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।